नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बड़ा बलहरा, आगामी मुहर्रम, ताजिया और गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें शांति समिति बैठक की अध्यक्षता SDOP सौरभ रत्नाकर की एवं थाना प्रभारी राकेश साहू एवं SI MM मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। मुहर्रम ताजिया शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस एवं नगर परिषद के द्वारा लगाए गए वाहन में रखकर ठंडे किए जाएंगे और ताजिया ठंडे करते समय एवं गणेश विसर्जन के समय 5 लोगों की मौजूदगी में संपन्न होगा। गणेश विसर्जन घर पर ही करें। यदि पुराने रीति रिवाज के साथ गणेश विसर्जन करना है तो नगर परिषद एवं पुलिस के द्वारा आए वाहन में विराजमान कर दें। वही पुलिस बल के द्वारा नदी में गणेश विसर्जित होंगे और यदि कोई व्यक्ति गणेश उत्साह एवं मुहर्रम ताजिया का जुलूस निकालते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जी सर, आज जो मीटिंग ली गई इसमें क्या निर्णय लिया है? ये समय जो है त्योहारों का समय है, गणेश उत्सव और ताजिया जो है दोनों प्रमुख धर्म के जो है त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो विसर्जन के संबंध में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे कि विसर्जन किस प्रकार किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। विसर्जन के लिए नदी तालाब आदि पे लोगों के जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, तो उस संबंध में जिन्होंने जो गणेश प्रतिमाएं अपने घर पे रखी हैं या ताजिए का निर्माण किया है उन लोगों को बुलाया गया था और उन्हें समझाइश दी गई और